नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, और हमारे चैनल की पहली वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि एक ईमेल आईडी को कैसे बनाया जाता है प्रॉपर हिंदी में। सो ईमेल आईडी को बनाने के लिए ये देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद एक फॉर सेल्फ या फॉर बिजनेस या चाइल्ड, किस चाइल्ड के लिए वीडियो बनानी है आपने, लिए वीडियो बनानी है ये देख लीजिए। देन इसके बाद ये ऑप्शन आएगा योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हैं। एंड इसके बाद अपनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल सकते हो ऑप्शन में। देन इसके बाद आपका जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी डाल सकते हो, बट याद रखना अगर आपने डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम डाली तो ये आपको उसी हिसाब से कंटेंट दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाएगा। देन इसके बाद भाई ये चीज आ जाती है कि इसमें आप मतलब इसके सजेस्ट किए हुए यूजर नेम ले सकते हो। यूजर नेम का मतलब होता है कि जो यूजर नेम पहले कभी ना लिए गए हो वो यूजर नेम लीजिएगा। और इसमें इसके सजेस्ट मतलब सजेशन किए हुए यूजर नेम ले सकते हो या खुद बना सकते हो। तो हम भाई खुद बनाएंगे, तो खुद बनाने के लिए मैंने 2-3 बार ट्राई किया। ये रेड इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये पहले मतलब नाम ले चु मतलब ये उठा चुका है नाम, और ये इस नाम से आइडिया क्रिएट हो चुकी हैं, ईमेल आईडीज क्रिएट हो चुकी हैं। सो हमें एक यूनिक सा नाम लेना पड़ेगा इसमें। सो हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। हाँ भाई ये इसने उठा लिया। और देन इसके बाद ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो पासवर्ड वगैरह दे दीजिए आप इसको, जो भी पासवर्ड है। और ये ध्यान रखना सेम पासवर्ड होना चाहिए, ऊपर वाले कॉलम में और नीचे वाले कॉलम में सेम पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो आपका पासवर्ड रॉन्ग हो जाएगा। सो आप इसको थोड़ा ध्यान से फिल करिए कीजिएगा, और पासवर्ड वगैरह आपने ध्यान रखिएगा कि हाँ पासवर्ड अपनी या किसी कॉपी में रख लीजिए नोट करके, या फिर इसी में क्रोम के अंदर एक सेटिंग वगैरह आती है, वो बाद में आपको वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ भैया पासवर्ड वगैरह कैसे सेव करते हैं, तो भाई इसने अपने पासवर्ड वगैरह उठा दिए हैं। देन इसके बाद ये मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर मांगेगा। सो मोबाइल नंबर आप कोई भी भर सकते हो उसमें, बट ये क्या है, जैसे जिस मोबाइल नंबर से आपने पहले ईमेल आईडी बना रखी है उस मोबाइल नंबर की कोई मतलब उस मोबाइल नंबर को ये उठाएगा नहीं। आप ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने एक मोबाइल नंबर डाला, तो ये मोबाइल नंबर डालने के बाद ये इसको मना कर रहा है, बिकॉज इस मोबाइल नंबर से मेरी 2-3 ईमेल आईडिया बनी हुई है। सो मैं कोई दूसरा अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। देन इस मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पे, जिस मोबाइल नंबर को आप डालोगे इसमें। देन ओटीपी फिल कर लीजिएगा। देन ओटीपी फिल करने के बाद आपकी ये कह रहा रिकवरी मेल, मतलब अगर आपके पास कोई दूसरी मेल चल रही है तो ठीक है, अगर एक मतलब आप उसको मेल को डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो आप उसको। एंड इसको नेक्स्ट कीजिए, और ये आपकी मेल आईडी होगी बनके तैयार। ये देख सकते हो दोस्तों, आप इस मेल से आप अपनी कोई भी प्रोफेशनल चीज या कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे किसी वेबसाइट में एंटर करने के लिए मेल वगैरह की जरूरत होती है। सो आप इस मेल को आप कहीं भी डाल सकते हो किसी।